नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है 44 सीटर स्टाफ बस जो टाटा मोटर्स की मार्को पोलो अल्ट्रा सीरीज़ पर बेस्ड है। इस बस का आज हम रिव्यू शुरू करने वाले हैं। ये देखिए, काफ़ी शानदार इस गाड़ी को बनाया गया है। यहाँ पर है टाटा मोटर्स का लोगो, मार्को पोलो की बैजिंग। इस बस में आपको ड्यूल हैलोजन हेडलाइट्स मिलते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर लैंप है। यहाँ पर है मैनुअल एडजस्टर मिरर। यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मिरर है। अपर साइड में दो हाइट मार्कर लैंप मिलते हैं। साइड लुक आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शानदार यहाँ पर बनाया गया है। साइड में आपको मिलते हैं स्लाइडिंग ग्लास। बस के टायर्स इसकी बात कर लें तो इसमें आपको मिलता है 235/75 R17.5 सेक्शन के टायर्स। फ्रंट एंड रियर एक्सल पर आपको दिया गया है लिफ्टिंग सस्पेंशन। अल्ट्रा की बैजिंग, यह है इसका शानदार रियर लुक। यहाँ पर है हाई साइड स्टॉप लैम्प। अपर साइड में दो हाइट मार्कर लैम्प मिलते हैं। टाटा का लोगो, मार्को पोलो की बैजिंग। 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पर ब्रेक लैंप है, यहाँ पर इंडिकेटर लैंप है और यहाँ पर रिवर्स लैंप दिया गया है। यह है ड्राइवर साइड लुक। यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है। यहाँ पर इसका फ्यूलिंग पोर्ट है, ड्राइवर साइड डोर। इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको 3 स्टेप दी गई है। यह है अंदर का व्यू। काफ़ी शानदार इस गाड़ी का जो लेआउट है बनाया गया है। 2x2 सीटिंग कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाती है। इसके टोटल सीट नंबर से वो 44 सीटर का है। और यहाँ पर लगेज रखने के लिए जगह दी गई है, ये देख सकते हैं। सीट्स की जो स्पेसिंग है वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैनेज की गई है। कुशनिंग काफ़ी अच्छी है सीट्स की। सीट्स के पीछे आपको हैंडल दिया गया है और लेग स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। नीचे आपको मिलती है एंटी स्किड विनल फ्लोरिंग जिस पर फिसलन नहीं होती है। इसी के साथ साथ ये इसका कैबिन व्यू। यहाँ पर ड्राइवर सीट है। टाटा मोटर्स का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पेसिंग, लाइट्स की कंट्रोल्स, फैन के कंट्रोल्स, रीजनरेशन ऑन और रीजनरेशन ऑफ की कंट्रोल्स, लाइट मोड, हेवी मोड, 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट, स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में क्रूज कंट्रोल और वाइपर के कंट्रोल्स है, इंडिकेटर और हेडलैम्प की कंट्रोल है। यहाँ पर हेडलैम्प का नॉब है। यहाँ पर हजार्ड लैम्प का बटन है। बैटरी का टॉप स्विच है। OBD कनेक्टर है। यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर बॉटल होल्डर दिया गया है। अपर साइड में 1, 2 ऐसे 2 स्टोरेज बॉक्स मिलते हैं। यहाँ पर अपर साइड में एक बॉक्स है। वाइड एंगल मिरर है। ड्राइवर की सहूलियत के लिए यहाँ पर सनवाइजर मिलता है। यहाँ पर फैन है, इमरजेंसी हैमर है, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी हेल्प बटन, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम का कंट्रोल, स्पीकर के लिए 2 पोर्ट, यहाँ पर इमरजेंसी लैंप है। अब जानते हैं इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस गाड़ी के इंजन की बात कर ले, इसमें लगा हुआ है टाटा मोटर्स का 3.3 लीटर BS6 इंजन जो 92 किलोवाट की पावर जनरेट करता है। अगर हम इस वैल्यू को HP में कन्वर्ट करके देखें, ये जो वैल्यू है ये लगभग 123 हॉर्स पावर यानी कि 123 HP का आपको इसमें इंजन मिलता है जो 390 यानी कि 390 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही साथ इस गाड़ी के ग्रॉस व्हीकल वेट की बात कर ले तो इस बस का ग्रॉस व्हीकल वेट 10,200 किलोग्राम है यानी कि 10,200 किलोग्राम्स है। और इस गाड़ी के फ्रंट एंड रियर एक्सल पर आपको मिलता है लिफ्टिंग सस्पेंशन। इस गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको दिया गया है 16 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक। और माइलेज की बात कर ले, ये गाड़ी करीब करीब 6 से 7 का माइलेज देने के लिए सक्षम है, पर ये डिपेंड करता है कि ड्राइवर गाड़ी को कैसे चलाता है और आपके यहाँ के रोड कंडीशंस कैसे हैं। इसी के साथ साथ अब मुद्दे की बात करते हैं जो है कीमत। इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है वो 18.5 लाख रुपए से शुरू होती है और ऑन रोड कीमत 21 लाख रुपए से लेकर 22 लाख तक जा सकती है। ये कीमत आपके राज्य में ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हर राज्य में टैक्सेस वगैरह का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। और ऑन रोड कीमत में फास्टैग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस और RTO रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होते हैं। पहली बात तो जिन्होंने भी इस गाड़ी का वीडियो बनाया है अभी तक YouTube पे, वो कंफ्यूज थे कि एग्जैक्टली मॉडल कौन सा है। वहां पर ये गाड़ी तो खड़ी थी पर उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह हमें कुछ नहीं पता थे क्योंकि हमारे साथ जो भी मतलब क्रिएटर लोग थे उनको भी ये कंफ्यूजन हुआ था। पर फाइनली हमने थोड़ा रिसर्च करके इस गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह हमने जमा किए और आपके सामने इन्फॉर्मेशन डिलीवर की। पर दोस्तों एक बात आपसे करनी थी कि जब कभी हम किसी एग्जीबिशन को शूट करते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट जैसे कि कैमरा गिम्बल से शूट करते हैं तो मैक्सिमम वीडियो नहीं बन पाती और वहाँ पर टाइम का भी लिमिट होता है क्योंकि आपको एक दिन में 10-15 वीडियो डिलीवर करने होते हैं तो उस हिसाब से आपको क्वालिटी मिलती है। अगर आप मास प्रोडक्शन में करते हो तो क्वालिटी फ़र्क पड़ता है, अगर हम एक दिन में एक ही वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता ही होता। अपने चैनल पर 10 मिनट की भी वीडियोज़ है,
15 मिनट की वीडियोज है, 3 मिनट की वीडियो है और 2 मिनट की वीडियो है। ये लगभग लगभग 5 मिनट का वीडियो है। जितना हम इस गाड़ी के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सके उतना दिया है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।